सिंह, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है मेरे एक नए व्लॉग में। दो फैंस, ये व्लॉग है 12 अप्रैल का और दिन है शुक्रवार का। तो सैटरडे का तो मैंने पहले ही आप लोगों से शेयर कर दिया था, बिकॉज है ना उसकी वीडियो भी बन गई थी और एडिटिंग भी हो गई थी। लेकिन जो ये फ्राइडे को हम गए थे ना, नानी जी के घर गए थे, तो उसको मतलब उसकी नहीं हो पाई थी। तो जैसे आज मैं फ्री थी तो आज मैंने फटाफट से देखा, हाँ भाई चलो कुछ तो यादें स्टोर में अपना कर लेती हूँ। तो उसी दिन का ये वीडियो है। सुबह के बजे हुए अभी इस वक्त 8:30, और लड्डू की ना रात को बहुत ही ज़्यादा तबीयत थी, वो ख़राब हो चुकी थी, इसको वोमिटिंग वगैरह आई और थोड़ा थोड़ा मतलब फीवर भी था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो चुका था सुबह सुबह होते वक्त। तो अभी फ़िलहाल हम दे रहे थे लड्डू को यहाँ पे भाप, और ये पहले ना मना कर रहा था, मेरे को नहीं लेनी, फिर बाद में इसको ये लगा ना भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, फिर तो ये ना अपने आप से ये लगाने लग गया। और नेक्स्ट डे भी बोल रहा था मेरे को ना बुखार हो गया, मम्मी मेरे को ऐसे लगा दो नोज पे, तो ये ऐसे बोल रहा था। तो इसको ना बाद में काफ़ी अच्छा लगा इससे मतलब करके, पहले तो ये डर रहा था पता नहीं क्या करने वाले मम्मी पापा, फिर बाद में तो इसने ना आराम से करवा लिया था। तो भाई फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमें जाना था नानी जी के घर पे, दोनों बच्चों को एकदम से हमारा प्रोग्राम बना था। पहले हमारा कोई भी मतलब प्रोग्राम नहीं था, क्यों जाना था वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो मेरी दादी जी है बच्चों की जो पढ़ना नहीं है ना, उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो इस वजह से हमें जाना था नानी जी के घर पे, क्योंकि जो मेरी दादी जी है ना वो मतलब काफ़ी बुजुर्ग भी हो चुकी है। तो एकदम से हमारा प्रोग्राम बना, तो हम चल दिए भाई दोनों बच्चों को लेके साथ में फटाफट से नानी जी के घर पे। पहले हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, तो सुबह भी चाय वगैरह बनाई, चाय के साथ मैंने एक दो परांठे ही मतलब बना लिए थे और अचार के साथ अपना लिए थे। और आते वक्त अभी हम जैसे पैदल यहाँ पे हम जा रहे थे, यहाँ पे हमने लड्डू के लिए यहाँ पे दवाई वगैरह ली थी, और दवाई लेते ही हम डायरेक्ट जैसे स्कूटी से आए थे ना, और हमारी किस्मत जैसे अच्छी थी तो हमें ना जल्दी से हमारी ऑटो भी मिल गई थी। तो अभी इनके पापा जी लड्डू मतलब स्कूटी खड़ी करने गए थे दीदी के घर पे, और इतना आए नहीं तो बस हमारी लगी हुई थी, तो फटाफट से हम भी बस में चढ़ ली थी। और साथ में हमारे साथ जा रही थी जो मेरी बुआ जी है ना, मतलब वो भी मेरे पास में ही रहती है, तो बुआ जी को भी हमने साथ में ले लिया था। उनका भी कोई प्रोग्राम नहीं था तो उनको भी तुरंत ही बुला लिया था। तो फिर बोली बुआ जी की भी मैं भी यहाँ आ जाती हूँ, चलो भी मैं भी चल पड़ूंगी तुम्हारे बहाने। तो फिर हम सभी बैठ गए थे बस में, और आज है ना बस में जैसे हड़ताल लगी हुई थी ना, तो बस बिल्कुल खाली थी, एक दो सवारी ही थी बस, हम थे और एक दो ही थे और बंदे थे बस। तो अभी हम बैठ गए थे सबसे आगे वाली सीट पे ही, मेरे को बैठने का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, पीछे तो बहुत ज़्यादा खदकी वगैरह लगती रहती है, इसलिए मैं ना आगे बैठना ही प्रेफर करती हूँ। और जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं ये है मेरी बुआ जी, और हमें ना बस मतलब आराम से ही बैठ के गए थे, और हमारा सफ़र है ना एकदम से बिंदास गया। और जैसे सफ़र में जाते वक्त 1.5 से 2.25 घंटे आराम से लग जाते हैं, और इसी बीच है ना दोनों बच्चे मेरे ना आराम से सो गए थे। देख सकते हो, तो लड्डू तो अपने पापा जी की गोदी में सो गए और मायरा सो रही थी अपनी मम्मी जी की गोदी में। तो जैसे तैसे हमारा बहुत अच्छा सफर गया, और उसके बाद हम पहुंच गए थे भी नानी जी के बस स्टैंड पे। ये है मेरी मतलब नानी जी का बस स्टैंड, और उसके बाद हम जा रहे थे बाहर। चलो 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 नानी, और जैसे ही हम बाहर गए ना मतलब ऑटो वालों की इतनी ज्यादा भीड़ थी, एक बोल रहा था भी मेरे में बैठो, एक दूसरा बोल रहा था मेरे में बैठो। तो भाई ऑटो मिलने के बाद हम बैठ दिए सब अपनी ऑटो में, और बुआ जी बैठी है, इनके पापा जी लड्डू को लेके बैठे हैं, और तो चल दिए थे हम अपने घर पे। तो घर जाके मिलती है अब आपसे। तो भाई पूरा सफर हमारा कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने घर पे। तो सबसे पहले मैं मिलवा देती हूँ आपको हमेरी सबसे छोटी प्यारी सी भतीजी तनिष्का से। ये है मेरी सबसे छोटी भतीजी, और ये है मेरी दादी जी। तो दादी जी को पहचान में नहीं आई थी भी बुआ जी है, तो बाद में ना देखा नहीं भी सभी आए, तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तो फिर बैठ के हमने बातें बातें की। देखते
किसकी छोरी दादी? शाम को आएगा तो अब नहीं आ रहा, अब नहीं आना पड़े मामा, शाम को आएगा। त्रिपति कड़े है बता दे, स्किप कर ले ना, ये तो अपने पोती है, पोती तेरी तेरी एक के पोती दिवा कौन सी है? किधर दादी पोती है? कहाँ है पोती? शीतल कड़े है, शीतल हाँ, ससु का है। यहाँ कौन बैठी है? तू तनु का ससु का है? फिर कौन आ रही है? यहाँ कौन दोस्ती है? यादी होती है। दादी फिर वहाँ कौन है? वहाँ वहाँ कौन है? तो भी बैठने के बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पे बातें बातें की, और दादी ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस बात को कि भी मेरे को याद नहीं है। लेकिन है ना, दादी को मतलब इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं था। हाँ याद था, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से याद नहीं था। तो उसके बाद हमने यहाँ पे चाय वगैरह पिए, अपनी चाय बिस्किट अपना लिए, फिर उसके बाद अपना खाना वाना खा भी लिया था। तो फटाफट से मतलब सबसे बातें बातें की तो मेरा तो रहता ही, मैं तो सबसे मिलने के लिए मतलब जाती हूँ, लेकिन सबको ना यहाँ पे वीडियो के अंदर आना, और मैं किसी को लेना भी नहीं चाहती क्योंकि हर किसी को ऑब्जेक्शन होता है भी हमको वीडियो में नहीं लेना। तो यहाँ पे मम्मी ये बैठी है, दादी बैठी है, और मेरी बुआ जी बैठी है बस, ये और ये मेरी, इसको तो पता ही आप लोगों को, मेरी बेटी और एक मेरी भतीजी है तनिष्का। तो भाभी अभी किचन में लगी हुई थी और थोड़ी देर बाद आ गए थे मेरे चाचा जी, तो झुला रहे हैं ये बच्चों के, खेल रहे हैं बच्चों के साथ। और चाचा जी तो ये भाई हाँ खुश हो जाते हैं भाई मैं वीडियो में आऊँगा, मतलब किसी किसी को शौक है, किसी किसी को तो बिल्कुल भी मतलब इतना है नहीं है कि भी सोशल मीडिया पर आना है। और भी उसके बाद ये छोटी सी जो क्लिप है, ये मेरे चाचा चाची जी बैठे हुए, बुआ जी लेटी हुई है, तो मोहित भी बैठा हुआ, तो वो तो मना मतलब मजाक उठा रहा था, हाँ वीडियो में बनाएंगे हमको तो। और ये बैठे हैं छोटे से प्यारे जी कान्हा जी, तो मैंने थोड़ी सी ही मतलब मेमोरी ली है, तो मतलब है ना मोहित बैठा था, वो मेरा मजाक बना रहा था अभी, हाँ वीडियो बना रही है। और उसके बाद वही चाचा चाची से थोड़ी देर मिलने के बाद मैं आ गई थी वापस अपने घर पे, और साथ में आ गए थे पापा जी भी आ गए थे दुकान से, तो मेरे पापा जी फर्नीचर का जैसे काम करते हैं तो वो भी आ गए थे, और भाई जो मेरे दोनों अभी अपना काम पे ही साइड पे गए हुए थे। तो यहाँ पे वही ये बैठे हैं मेरे पापा जी, तो मैंने जिंदगी में पहली बार मतलब मेरे पापा को दाढ़ी मूंछ में मतलब दाढ़ी में देखा, तो कभी भी नहीं मतलब बढ़ाते थे, अभी बढ़ाते अभी बोल रहा है ना अभी दादाजी बन के, तो वो वाली फीलिंग्स आती है। इसलिए ना मेरे पापा जी ने ना मतलब ढाड़ी बढ़ा ली, और मम्मी बना रही थी अपना किचन में चाय, और मम्मी भी खुश हो गई थी भाई मेरी वीडियो बना रही है। तो उसके बाद भाई बैठ के फिर से एक बार फिर से चाय पार्टी हमने यहाँ पे की, और मैं मतलब आई थी इसलिए दादी जी का ही मतलब पता लेने हालचाल पूछने के लिए आई थी भी कैसे क्या है। तो अभी दादी का देखा ही है आप लोगों ने हाल भी कैसा है, तो भाई बस ठीक है, बस ये ऐसे ही चलता रहता है, बुजुर्ग हैं कभी भी कुछ भी मतलब हो सकता है, तो किसी को कन्फर्मेशन नहीं है, वो तो भगवान जी को ही पता है भाई। आजकल तो चलते फिरते किसी का अभी नहीं पता लगता, किसी को अभी पी शुगर हार्ट अटैक मतलब बहुत सारे रोग आजकल तो सबको घेरे हुए है, तो वैसे तो किसी का कोई पता नहीं लगता, लेकिन भगवान जी जो करते अच्छा करते हैं सबके साथ, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। उसके बाद भाई हम यहाँ निकल दिए थे अपने घर के लिए, और लड्डू है जो सबसे मिल रहा है अपना नाना से नानी से अपनी नानी से सबसे अपना मिल के चल रहा है, और यहाँ पे हमने कर दी थी सबको बाय बाय।
मम्मी बैठी अंदर है। लाइट तो बाहर लगा दे। और ये भाई सबसे बड़ी बहन तीजी मेरी भाभी का, तो इसको जब लगता है ना बुआ जी जा रही है तो थोड़ा सा उदास हो जाती है। इसको लगता है अभी अभी तो आए थे और अभी जा रही है, तो ऐसे ही होता है। जब मेरी बुआ जी जाती थी मैं भी बहुत ज्यादा रोती थी। बाय बाय कर देते अभी, बाय बाय। चलो भाई चलो 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 भाभी का जान लिया। बाय बाय। वीडियो बना रही हूँ, किरण लाग रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो भाई यहाँ पे सबने सबको कर दी थी बाय बाय, अलविदा, बाय बाय, टाटा, सबको कर दी थी। और उसके बाद हम निकल दिए थे अपने घर के लिए। और ये है हमारे जींद का सबसे फेमस रानी तालाब, तो बहुत ज़्यादा फेमस है ये। उसके बाद भाई चलो चलते हैं, वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरे फैमिली मेम्बर से मिलकर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।